ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और 10 संगठन आज देश में ये सब लोग कि हम जो है अभी भी आने वाले इस देश के अंदर सामाजिक राजनीतिक बगैर लोभ के बगैर द्वेष के बगैर अपनी राजनीति चमकाने के निस्वार्थ भाव से बहुजन समाज के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए देश को सत्ता स्थापित करने के लिए और देश के अंदर दोबारा से इतिहास और संस्कृति बनाने के लिए और कहीं पर भी जो क्रांति आंदोलन खत्म हो गया उसको दोबारा जिंदा करने के लिए जहां पर भी आप सबकी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए तैयार हैं। कभी कभी एक दूसरे धोखा नहीं करेंगे, कभी हटेंगे नहीं, बेशर्ते कि वो आदमी ईमानदारी से ले, ये सच्चाई है, ये सही है, बेशर्ते कि वो आदमी धोखा ना दे, बेशर्ते कि वो आदमी आप में कहीं पे चीख ना करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग आज बाबा साहब का नाम लेके भारतीय संविधान की प्रतिज्ञा के अनुसार आप एक ऐलान करें कि हम लोग बहुत सारे देश के अंदर मूलत बहुजन समाज के लोग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं या कोई भी अपनी जगह कहीं पर भी जो मिशन और मूवमेंट आंदोलन की भूमिका निभा रहा है, हम लोगों ने एक उद्देश्य बनाया कि हम जब तक इस देश के अंदर अलग थलग पढ़कर अपना अपना संगठन, अपनी अपनी कार्यकारिणी, अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी लड़ाई, अपने अपने एमएलए, अपने विधायक, टिकट, एमपी, सो एंड सो फोर्थ जो करके समाज में डिवीज़न हो गया है और उस डिवीज़न के बाद में हम कहीं पर भी कुछ नहीं हासिल कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हासिल कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में एक बहुत बड़ी शंका, एक असमंजस की फीलिंग बनती जा रही है कि आज जब देश के अंदर 2019 हमारे सामने है और 19 के अनुसार जो हमारे जैसे लोगों का सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, कोई भी किसी भी श्रेणी का जो इस देश के अंदर, मैं आज यहाँ देश की बात करना चाह रहा हूँ, याद रखना, मैं यहाँ ना तो वर्ग की बात करूँगा, ना जाति या धर्म की बात करूँगा, ना किसी पर्सन संगठन की बात करूँगा, मैं यहाँ देश को सर्वोपरि मान के बात कर रहा हूँ। आज जब हम इस देश के अंदर जो हमारी एक बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण के सामने जो हमारी चुनौतियाँ हैं उनके लिए जो हम इतना अच्छा आज विकल्प बना सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर अल्टरनेटिव दे सकते हैं, एक माहौल बना के सिस्टम को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, उन सब चीजों को जब हम देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये आशंका होती है, बेचैनी होती है, आशंका नहीं कहेंगे, कि आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर। और उसी चीज को मैंने से मतलब है आज का जो कार्यक्रम का आयोजन है, एलडीए जो हम लिबरल डेमोक्रेटिक अलायंस के अनुसार कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है, साफ साफ कहना चाहता हूँ, कोई भी मेरी बात में हमारे उद्देश्य में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। देश के अंदर ये संदेश बिल्कुल साफ जाना चाहिए। आप लोग सेट कर लीजिए। देश के अंदर ये संदेश साफ साफ जाना चाहिए कि हम लोग इस देश के अंदर, पहली बात, हम किसी भी तरीके से बटे हुए नहीं हैं। दूसरी बात, इस देश के अंदर हम एक ऐसा माहौल बना के सामाजिक
संगठन, राजनीतिक पार्टियां, सोशल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल, जो भी जितने भी लोग हैं, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें मैं और मेरा नहीं होना चाहिए, जिसमें मैं और मेरा उद्देश्य सिर्फ मेरी ही अपनी पार्टी, मेरे ही अपने सदस्य नहीं होना चाहिए। हमारा जो आज का प्रयास है, वो प्रयास, मेरी बात को रिकॉर्ड हो रही मीडिया के अंदर, हमारा अपना प्रयास कभी भी किसी तरीके से अपना आपका विकास, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपना नाम कमाना या अपने आप का देश के अंदर आगे बढ़ चढ़कर कहीं स्थापित करना हमारा उद्देश्य ना था, ना है, ना रहेगा। ये बिल्कुल साफ मैसेज जाना चाहिए, मेरे सारे मीडिया के भाई सुन रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक है कि आज जब हम लोग थोड़ी सी भी विचारधारा, अपने माइंडसेट, अपने अपनी थोड़ी मेंटलिटी या जो विचार है या जो कार्यशैली है या जो हमारा उद्देश्य है, उसमें थोड़ा सा भी अगर हम लिबरेट होके, लिबरेशन करके, माइंडसेट बढ़ा करके, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके, एक देश को, राष्ट्र को उद्देश्य बना के, अगर छोटे मोटे अपने डिफरेंस, मतभेद को मिटाकर किसी एक लाइन ऑफ एक्शन पे आ सकते हैं, किसी एक एक्शन प्लान के अनुसार देश के अंदर नहीं तो कम से कम दिल्ली के अंदर, मेरी बात को नोट किया जाए, कम से कम दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल और एक ऐसा प्रोपेगेंडा और एक ऐसा हम यहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप सभी लोग, हम आपके साथ हैं और हम आप हमारे साथ हैं। या ये मत सोचना कि मैं जो बोल रहा हूं मैं ही यहां पे सर्वोपरि कह रहा हूं या मैं ही सब कुछ हूं। मैं यहां कुछ नहीं हूं, एलडीएफ यहां कुछ नहीं है, यहां सभी संगठन के लोग, मैंने संगठन के लोगों को यहां पे बुलाया है, यहां पे भीड़ नहीं है, ये 40-50 लोगों के संगठन के पदाधिकारी आए हुए हैं और कुछ 5-7 पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और प्रेसिडेंट यहां आए हैं। तो दोस्तों, उद्देश्य एक है, मैं ज्यादा नहीं समय खराब करूंगा क्योंकि हमें इन पे, इस बात पे आप लोगों के विचार भी सुनने हैं। उद्देश्य एक है कि अब हमें कम से कम दिल्ली में एक ऐसा माहौल बनाना है, दिल्ली के अंदर इस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा स्थापित करनी है, दिल्ली के अंदर आने वाले लोकसभा में एक ऐसा एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाना है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी पार्टी हो या संगठन हो या बड़े बड़े राजनेताओं के दिमाग में एक मैसेज जाए कि अब ये लोग कम से कम दिल्ली के अंदर दिल्ली की सत्ता को काबिज करने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे आने वाली विधानसभा हो, सभी लोगों ने अपने मतभेद को मिटाकर, अपने अहम और अहंकार को घटाकर, खत्म करके एक लाइन पे जुड़ के कुछ ऐसी समीकरण बना के, ऐसा तालमेल बना के, ऐसे आगे पीछे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक धरातल पर आके हम एक ऐसा ऐलान करेंगे आज कि हम इस देश के अंदर जो आज बहुजन समाज का आंदोलन और क्रांति जो हमारे पक्ष में होनी चाहिए, आज इस देश की सत्ता और हुक्मरान हम लोग होने चाहिए, आज इस देश का सारा सिस्टम हमारे सामने झुकना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, एक तो इसके ऊपर हम 2-10 घंटा 2 घंटा चर्चा करेंगे और दूसरा इसके ऊपर एक यहां पे डिसीजन लेके उठेंगे कि हम भले ही एक एक दो दो या क्षेत्र वाइज या जो जहां पे वर्चस्व रखता है, सक्षम है या मजबूत है, उसके अनुसार हम बिल्कुल अहंकार अपने आप को कहीं खत्म करके कम से कम एलडीएफ जो आज तक जो चलती रही है, जिसके संयोजक हम डॉक्टर देशराज, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गीता रानी, एक बार गीता रानी जी खड़े हो जाएं, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गीता रानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अरुणा भारती जी, कम से कम हम ये आज ये ऐलान करेंगे कि अब हम आज तक जो सोशल काम देश के अंदर दिन रात आप लोग हमें देख रहे हैं, समाज जागरण में, देश के जन जागरण में, क्रांति आंदोलन में,
हम इस काम को कहीं ना कहीं ले जाके आज के बाद एलडीएफ और एलडीएफ के साथ या एलडीएफ किसी के साथ, दोनों बातें कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलडीएफ के साथ जुड़िए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एलडीएफ आपके हाथ में जुड़ने से परहेज करता है। हमारा उद्देश्य साफ है, हमारे बीच में जितने ही भाई बैठे हैं, तीन चार पार्टियों के संगठन के अधिकारी हैं, संगठनों के प्रभारी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी के अधिकारी हैं, मोरवाल साहब पार्टी के अधिकारी हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी पार्टी के मालिक हैं, हमारे एडवोकेट रामवीर चौहान जी पार्टी के मालिक हैं, कांता अलड़िया जी पार्टी के मालिक हैं, बनारसी दास जी भी सुबह के चले गए हैं, जीएल भगत जी हमारे पे आने की बात हो गई है, खरेलिया साहब और ठगेला जी और बहुत सारे हमारे और बहुत बड़े जो हमारे जो बिल्कुल साथ चलने के लिए जिनने तैयार वास्तव में जो स्वीकृति दे दी है, डीडीए भी जो रिसेंटली अनाउंस हुआ था, हमारे अशोक अज्ञानी जी और मुकेश राजौरा जी, जो सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे किसी एक का नाम गिनवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए या है, लेकिन उद्देश्य साफ है साथियों, जो नियत हम लेके चले हैं और वो ये है कि आए एक ऐसा प्लेटफार्म बनाते हैं, एक ऐसा पॉलिटिकल ना हो सके सेमी पॉलिटिकल फ्रंट बनाते हैं। हो सकता है पॉलिटिकल लाइन पे हम कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएं, वो अध्यक्ष कहेगा मेरी सारी मैं यहां चाहता हूं ऐसा करना, दूसरी पार्टी का अध्यक्ष कहेगा मैं यहां ऐसा पूरी मैं चाहता हूं सारा सब कुछ यहां पे उठाना, हो सकता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ जाए हमारे, हो सकता है सोशल संगठनों के लोग एक साथ आके काम ना करें। हम तो प्योर सामाजिक हैं, अभी तक हम प्योर सामाजिक थे, ये मेरी बात को ध्यान से हाईलाइट किया जाए। एलडीएफ आज तक सामाजिक संगठन की तरह से देश में काम करती रही है, आज के बाद शायद एलडीएफ एक सोशल विंग रहेगी, उसके हम संयोजक रह के समाज में जागरणा काम करेंगे, जन जागृति करेंगे, क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे, वो हम लेंगे जिम्मेदारी सामाजिक काम की। लेकिन एलडीएफ के साथ में हम सभी साथी मिलके उसको जो सेमी पॉलिटिकल एक एसोसिएशन या अलायंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी लीडरशिप या हम कहें कि उसकी जो फ्रंट में जो आगे चलाने के लिए हमारा चेहरा होगा, जो हमारी तरफ से जो हम चाहते हैं, जो आज तक हमारे एलडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट की तरह नहीं रही हैं, वो सेमी पॉलिटिकल विंग बनेगी या वो पॉलिटिकल विंग बनेगी सभी की सहमति से, वो उस संगठन में जैसा भी आप सब लोग जिस भी जिम्मेदारी को हम आपस में शेयर करते हुए आगे बढ़ाना चाहेंगे, उस विंग की जिम्मेदारी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गीता रानी की देखरेख में एक अलायंस या हमारे सब लोगों के बीच में एक समंजस से एक ऐसी बॉडी का गठन किया अब आज करेंगे हम लोग, जो एक संदेश ये क्लियर देगा कि ये अलायंस ना तो किसी हमारे बहुजन समाज के आंदोलन के खिलाफ होगा, ना तो ये अलायंस किसी भी हमारे पार्टी या किसी हमारे एजेंडा या किसी हमारी क्रांति बहुजन समाज के उद्देश्य के विपरीत होगा। इसका मकसद इतना ही होगा कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट जो अब आने वाली हैं, आप लोग कैसे प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे करना है, आप लोग सब सीट शेयरिंग या कंसेंसस बना के या किस तरीके से उसके रूपरेखा बनाएंगे, उसकी आज नींव डालने के लिए हम लोगों ने ये जो प्रयास किया है उसका एजेंडा और उद्देश्य बिल्कुल साफ है, और साफ ये है कि हम लोग आपको ये कुर्सियां ये मंच ऑफर करते हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आओ दिल्ली के अंदर एक ऐसी पहल करो जिसका चेहरा शायद हम नहीं होंगे, जिसका चेहरा आप ही रहेंगे, दिल्ली के अंदर एक ऐसी पहल करिए, कहीं ना कहीं से ऐसा एक संदेश देश के अंदर एक ऐसा माहौल एक ऐसा जो ना एक स्टेज या प्लेटफार्म बनाइए कि अब हम इस देश के अंदर देश की सत्ता और दिल्ली की सत्ता को लेने के लिए सभी अपने मतभेद मनभेद मिटाकर बहुजन समाज को इस देश के अंदर आंदोलन क्रांति को आसमान तक ले जाने के लिए इस देश के अंदर हर संभव प्रयास करेंगे कि जो भी चीज हमारे आंदोलन क्रांति की किन्हीं नेताओं ने या किसी किसी भी पार्टी ने, वो कोई भी हो सकती है,
अगर कहीं ना कहीं जाके उसको डाइल्यूट कर दिया है, कहीं विचारधारा में, एजेंडा में, या किसी न किसी उसकी कार्यशैली में गड़बड़ हुई है, ठीक है, हमारे भाई हैं, हमारे साथी, हमारे संगठन हैं, हम बजाय उनसे कि विरोध करें या बजाय उनके खिलाफ जाके, उनके विरोध में जाके अपनी एनर्जी, अपना समय, धन व्यर्थ करें, हम उनके ना तो विरोध में कोई ऐसी चीज, गतिविधि या प्लानिंग करना चाहते, और ना ही बिल्कुल प्रो में हम प्लानिंग करने के लिए तैयार हुए हैं। ये एजेंडा बिल्कुल साफ है, ये अलायंस अपने आप में एक मजबूत, एक बहुत बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। तो उद्देश्य साफ है, मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, उद्देश्य साफ है कि वास्तव में अगर हो सके, कम से कम हमारी नीयत पे, ईमानदारी पे किस्त मार्क ना लगाते हुए, हमारे काम और व्यक्तित्व को, हमारे इंसानियत और जो दिन रात समाज में हम लोग लगे हुए हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी आप लोग दिल दिमाग में कहीं पर हमारे प्रति एक विश्वास है कि यस भाई, ये लोग या इनके साथ में जो लोग जुड़ गए हैं, जो लोग आ गए हैं, उनके काम में, उनके व्यवहार में, उनके देश के अंदर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ईमानदारी है, नैतिकता है, सच्चाई है, पवित्रता है, अगर ऐसा आप लोगों किसी भी 1-2% भी दिमाग के किसी कोने से, हिस्से से ऐसा एहसास या अनुभव हो रहा हो, तो हम आप लोगों से एलडीएफ की टीम, मैं अब इनवाइट करूंगा एडवोकेट गीता रानी आगे आए, एडवोकेट अरुणा भारती आगे आए, डॉक्टर देशराज आपके सामने, ये एलडीएफ की टीम जिसका राष्ट्रीय लेवल पे 15 स्टेट्स में हमारा आज के टाइम लाइजन है, 15 स्टेट्स में हम लोगों का आज एस्टेब्लिशमेंट है, जहां भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, आप कहेंगे हमारी टीम बनी पड़ी है, उस पूरे देश के अंदर भी हम आगे बढ़ेंगे, सभी बड़े बड़े संगठनों के लोगों से हमारा तालमेल बना हुआ है, चाहे वो बोरकर साहब हो, चाहे सुभाषचंद्र राम हो, ताराराम हो, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी जो भी संगठन चलाते हैं, हम सभी लोगों से आज दिल्ली के लिए, गठबंधन के लिए यहाँ पे प्रयास करने के लिए बैठे हैं, और एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्दी, सिर्फ 2-3 महीने के बाद में यही गठबंधन और आप ही लोगों के नेतृत्व में, क्योंकि आज ये सेमी पॉलिटिकल अलायंस बन रहा है, शायद उसमें हम फ्रंट में नहीं रह साथ चलेंगे आप लोगों के लिए, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। तो उसलिए ये जो गैर राजनीतिक कहो या बाद में राजनीतिक मंच जो भी बन रहा है, 2-3 महीने में दिल्ली के बड़े से बड़े जो भी जगह आप जो डिसाइड करेंगे, उसके अंदर लाखों की संख्या में हम भरने का आपको ऐलान करते हैं और विश्वास दिलाते हैं, ऐसा आप बहुत जल्दी फरवरी, मार्च या मार्च अप्रैल में ऐसा देखेंगे। उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपनी बात को बड़ा चढ़ाए कह रहा हूँ, उद्देश्य ये है साथियों कि हम चाहते हैं कि वास्तव में कुछ देश में होना चाहिए, कुछ करने के लिए निकले हैं, तो उसके लिए आप लोग अगर तन, मन, धन, बीवी, बच्चे, नौकरी, घर परिवार त्याग के अगर कष्ट करके कुछ कर रहे हो, तो आओ हाथ बढ़ाएं, आओ हाथ मिल जाएं, साथ चलें, और साथ चल के एक ऐसा विश्वास बना के एक ऐसी चीज़ स्थापित करें जिसके अंदर हम कहीं आगे जाके कम से कम इस देश के अंदर, अगर आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, इस देश की सत्ता, जनसंख्या, आपके बच्चे ये कहें कि वास्तव में हमारे समाज के लोगों में एक भाईचारा था, एक विश्वास था, एक दूसरे के प्रति सहयोग थी, फीलिंग थी, समाज के प्रति समर्पण था, आपस में एक दूसरे को सहन शक्ति करने का एक विश्वास और आपस में आगे बढ़ने का हौसला था, कम से कम ऐसा मैसेज हमें देना चाहिए। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।